वेलकम टू जय माता दी कंसल्टेंसी। यहाँ हम बात करते हैं पीएफ, ईएसआई एंड अदर लेबर लॉज की आसान भाषा में। तो शुरू करें उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और आप वीडियो देख भी लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आज हम बात करेंगे पीएफ और ईएसआई की करंट रेट्स, बाइफरकेशन और एक वर्किंग एग्जाम्पल की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पीएफ तीन स्कीम से मिलकर बनता है, वो है ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड स्कीम, ईपीएस यानी पेंशन स्कीम और ईडीएलआई यानी इंश्योरेंस स्कीम। इस प्रकार जो हम पीएफ अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट करते हैं वो तीन डिफरेंट अकाउंट में जमा होता है। सबसे पहले हम उन पांच रूल्स की बात करते हैं जिनको समझने से पीएफ लॉ आसानी से समझ आ जाएगा। रूल नंबर वन, सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। पीएफ में जो डिपॉजिट होते हैं वो दो सोर्स से आते हैं, कुछ पार्ट एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है और कुछ पार्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। रूल नंबर टू, मैचिंग डिपॉजिट, यानी जो अमाउंट ईपीएफ, ध्यान रहे नॉट पीएफ बल्कि ईपीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय डिपॉजिट कर रहा है, उतना ही अमाउंट ईपीएफ और ईपीएस के सबमिशन में एम्प्लॉयर डिपॉजिट करेगा, यानी एम्प्लॉय द्वारा किया गया डिपॉजिट इज इक्वल टू ईपीएफ प्लस ईपीएस अकाउंट में किया गया डिपॉजिट। रूल नंबर थ्री, एक्स्ट्रा अमाउंट बाय एम्प्लॉयर, ईडीएलआई चार्जेस एंड एडमिन चार्जेस ओनली एम्प्लॉयर देता है। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयर है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए। रूल नंबर फोर, पीएफ वेजेज। पीएफ कंप्लीट सैलरी पर डिडक्ट नहीं होता, यह केवल पीएफ वेजेज पर डिडक्ट होता है। पीएफ वेजेज इज सम ऑफ बेसिक एंड डीए। रूल नंबर फाइव, वेज लिमिट। एम्प्लॉयज पीएफ वेजेज इज लेस देन 15,000 आर कवर्ड इन पीएफ। अगर सर्विस के दौरान उसकी सैलरी 15,000 से अधिक भी हो जाती है तो कंपल्सरी पीएफ डिडक्शन केवल 15,000 तक ही होता। तो चलिए आगे हम बात करते हैं करंट कंट्रीब्यूशन रेट्स की। एट प्रेजेंट एम्प्लॉय डिडक्शन इज 12%, यानी एम्प्लॉय की पीएफ वेजेस से 12% अमाउंट डिडक्ट होकर पीएफ अकाउंट में जमा होता है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 13% जो अलग अलग पीएफ अकाउंट में जमा होता है। इसके फर्दर बाइफरकेशन कुछ इस प्रकार है, एम्प्लॉय के पार्ट से जो 12% अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो पूरा का पूरा अमाउंट ईपीएफ फंड में डिपॉजिट होता है, वही एम्प्लॉयर का 13% कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग अकाउंट्स में जाता है, उसमें से 3.67% ईपीएफ में जाता है और 8.33% ईपीएस अकाउंट में जाता है। यदि आप ध्यान से देखें तो 3.67% एंड 8.33% इज इक्वल टू 12। आप ये भी ध्यान रखिए कुछ लिमिटेड केसेस में 12% अमाउंट 10% भी हो सकता है। यदि यह अमाउंट 10% होता है तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ईपीएफ 3.67% की बजाय 1.67% ही हो जाता है। और चीज़ जो इसमें ध्यान रखने की है वह है, किसी एम्प्लॉय की एज 58 की हो जाने के बाद एम्प्लॉय की अमाउंट ईपीएस फंड में डिपॉजिट नहीं होता है, यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो 8.33% ईपीएस में जमा होने की जगह ईपीएफ में जमा होने लग जाता है। 5% इन ईडीएलआई एंड 0.5% ईपीएफ एडमिन चार्जेज। ये जो एडमिन चार्जेज हैं ये मिनिमम 500 रुपये होते हैं, यानी आप मान लीजिए आपकी कंपनी में केवल दो लोग हैं और उनका एडमिन चार्ज 165 रुपये बनता है, फिर भी आपको मिनिमम 500 रुपये डिपॉजिट करने हो। लेकिन यदि आपकी कंपनी में एक भी व्यक्ति पीएफ में कवर्ड नहीं है तो आपको 75 रुपये पीएफ एडमिन चार्ज में देने होंगे। तो वापस समराइज करते हैं, एम्प्लॉयज़ का शेयर विच इज़ आइदर 12% और 10% केवल और केवल जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के अकाउंट में, वही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है अलग अलग अकाउंट में। सबसे पहले ईपीएफ में जाता है 3.67%, ईपीएस में जाता है 8.33% और ईडीएलआई में जाता है 0.5% और एडमिन चार्जेस जाता है 0.5%। अब हम बात करते हैं वर्किंग एग्जांपल विद पीएफ। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक प्लस डीए एचआर 9,000, 1,500 और 3,500 है, इसमें पीएफ वेजेस बन जाती है बेसिक डीए यानी 9,000 और 1,500 विचित 10,500। अब आइए बात करते हैं 10,500 के आधार पर अलग अलग पीएफ अकाउंट में पैसे कैसे जाएंगे। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10,500 पर होता है 12% यानी ईपीएफ फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज 1,260 रुपये। 3.67% कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर इन ईपीएफ फंड विच अमाउंट टू 385 रुपये, ये अपने नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड ऑफ कर दिया जाता है। वही एम्प्लॉयर ईपीएस में 8.33% कंट्रीब्यूट करता है विच अमाउंट टू 875 रुपये, अगेन राउंडेड एट नियरेस्ट इंटीजर। इसके अलावा ईडीएलआई स्कीम में ये पे करते हैं 0.5% विच इज 53, एडमिन चार्जेज 0.5
3 रुपीज, यानी टोटल अमाउंट जो एम्प्लॉय का डिडक्ट हुआ वो 1260 रुपये डिडक्ट हुआ और कुल अमाउंट जो एम्प्लॉय ने जमा करवाया 1366 रुपये, यानी कुल पीएफ अकाउंट में 2626 रुपये इस पार्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट जमा हुए, विच इज 25% ऑफ पीएफ वेजेस। इसमें से 1260 प्लस 385 और 875 यानी 2520 रुपये इस व्यक्ति की नेट सेविंग्स है। अब हम बात करते हैं वर्किंग एग्जाम्पल विथ ESI। ESI के करंट रेट्स अभी 4% ऑफ ग्रोस सैलरी है। इसमें से एम्प्लॉय शेयर 0.75% एंड एम्प्लॉयर शेयर 3.25% होता है। पिछले एग्जाम्पल को मानकर किसी व्यक्ति की बेसिक प्लस DA प्लस HRA 9,1500 और 3500 बराबर 14,000 है, तो उसकी ESI वेजेज भी 14,000 रुपये ही होगी, क्योंकि ESI ग्रोस सैलरी पर लागू होती है। अब एम्प्लॉय शेयर में से 0.75% में से 105 रुपये और एम्प्लॉयर शेयर से 3.5% से 455 रुपये, जिनका टोटल 560 रुपये होगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉय की सैलरी की। व्यक्ति की ग्रोथ सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए मिलाकर 14,000 रुपये थी। इसमें से उसके डिडक्शन 12% ईपीएफ यानी 1260 रुपये और 0.75% ESI यानी कि 105 रुपये, कुल डिडक्शंस 1365 रुपये। उसकी नेट पेएबल सैलरी यानी कि ग्रोथ सैलरी में से डिडक्शंस माइनस कर देंगे तो 14,000 माइनस 1365 इक्वल टू 12,635 रुपये उसकी इनहैंड सैलरी हो गई। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। वी होप आवर वीडियो वाज यूजफुल टू यू, और डाउट्स हैं तो आप कमेंट करें, हम उनका जवाब देंगे। अगर आप PFESI कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमें मेल करें jmdgroup@gmail.com पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।